हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ में चैप्टर 10 सर्कल के एनसीईआरटी एग्जांपल। तो एग्जांपल नंबर 4 दे रखा है मेरे को यहाँ पे, ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो ए बी सी डी बना हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके डायगोनल है ए सी और बी डी। ये ए सी है इसका डायगोनल, बी डी डायगोनल है। बोला डी बी सी 55 डिग्री है, डी बी सी 55 डिग्री है, और बी ए सी बी ए सी ये 45 डिग्री है। तो बताओ बी सी डी, बी सी डी ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये मेरे को बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन है कि ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल है एक ए सी एंड बी डी, विकर्ण ए सी और बी डी। ठीक है, और क्या गिवन है मेरे पास, डी बी सी है 55 डिग्री और बी ए सी है 45 डिग्री, और फाइंड करना है एंगल बी सी डी। ठीक है, हमें बी सी डी एंगल बताना है कि वो कितने डिग्री का है। तो इसे बताने के लिए फ्रेंड मैं यूज़ करूँगा एंगल इन अ सेम सेगमेंट। कैसे होगा देखो जरा, ये मेरी कौन है, सी डी। ठीक है, ये मेरा सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो ये वाला एंगल मेरा बी कितने डिग्री का है, 55 डिग्री का। जो तो दूसरा मेरा एंगल है ये वाला, ये भी कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का, बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल डी बी सी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, 55 डिग्री होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, रीजन में होगा एंगल इन अ सेम सेगमेंट, जिसको मैंने थ्योरम 10.9 के अंदर प्रूव करवाया था। ठीक है फ्रेंड, एक वृत्तखंड में बने कोण, एक वृत्तखंड में बने कोण। ठीक है फ्रेंड, कितने डिग्री का आ गया, 55 डिग्री का आ गया, जिसको मैं आपको रेड कलर की पेन से दिखाता हूँ। ये 55 डिग्री आ गया ना, ये वाला एंगल ये हो गया 55 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड, तो जो एंगल डी ए बी है, कौन सा डी ए बी पूरा कितना हो जाएगा, 45 ये है और 55 ये है, कितना हो गया 100 डिग्री। एंगल डी ए बी मेरा कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। फ्रेंड क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोल रखा था कि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो ए बी सी डी है ना, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ ऐसे दे रखा जो ए बी सी डी। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें अपोजिट एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे मैं लिखूंगा। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180 डिग्री। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग, समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब डी ए बी कितना दे रखा है, 100 डिग्री, डी ए बी दे रखा 100 डिग्री, बचा कौन बी सी डी, प्लस का है उधर ही किसका आ जाएगा, माइनस का। तो बी सी डी इक्वल टू 180 माइनस में 100 कितना आ गया, 80 डिग्री। तो बी सी डी मेरा कितना आ गया, 80 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, और यही मेरे को निकालना था। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड एग्जांपल नंबर 5 की ओर। ठीक है, एग्जांपल 5, तो फ्रेंड एग्जांपल 5 को मैंने यहाँ पे नोट कर रखा पहले से ही। तो एग्जांपल 5 में क्या बोला गया है कि टू सर्कल, मान लो दो सर्कल है, ये C1 है और ये C2 है, इंटरसेक्ट पॉइंट ए एंड बी, जो दोनों एक दूसरे को ए और बी को इंटरसेक्ट करते हैं। ए डी और ए सी डायमीटर है, देखो जो ए डी है वो डायमीटर C1 का है और ए सी है वो डायमीटर C2 का है।
प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, बी है वो सी डी के ऊपर लाई करता है, ये बात सिद्ध करके दिखाओ। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे हम, दिया है क्या डायमीटर ऑफ सी वन एंड सी टू, सी वन और सी टू के व्यास, एक का है ए डी और दूसरे का है ए सी। ठीक है, सी वन एंड सी टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए एंड बी, सी वन और सी टू एक दूसरे को ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ सिद्ध करना है कि डी सॉरी बी लाइज ऑन डी सी। ठीक है फ्रेंड, बी बिंदु सी डी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अब इस बात को प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन रचना, मैंने किया जॉइन ए बी, ए बी को मिलाया। ठीक है फ्रेंड, मैंने इसको क्या कर दिया, इससे मिला दिया। अब मिलाने से क्या हुआ, देखो फ्रेंड मेरे पास दो सर्कल है, ये मान लो सी वन है और ये डायमीटर दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, हमें पता है कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ए बी डी ये मेरे कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एंड सिमिलरली जो दूसरे वाला सी टू सर्कल है इसके अंदर भी तो ऐसे ही होगा, जो मेरा ए बी है ये मेरा डायमीटर दे रखा है, ये मेरा कौन है डायमीटर, तो ये भी मेरे क्या बनाएगा 90 डिग्री एंगल ही ना, सेमी सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर ओ मान लो, इसका मान लो ओ डैश। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंगल ए बी डी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों में रीजन क्या आएगा सेम होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, अर्धवृत्त में बने कोण, अर्धवृत्त में बने कोण, अर्धवृत्त में बने कोण होते हैं 90 डिग्री के। ठीक है फ्रेंड, दोनों कितने डिग्री के आ गए मेरे 90 डिग्री के, ये भी 90 का है और ये भी कितना है 90 का। तो मैंने लिखा एंगल ए बी डी, दोनों को जोड़ दिया, ये नंबर वन है और नंबर टू है, दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, वन प्लस टू ए बी डी प्लस ए बी सी इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना आ गया 180 आ गया, दोनों एंगल का सम कितना आ गया 180 आ गया। अगर 180 आ गया तो 180 की क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, 180 डिग्री क्या होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका मतलब ये इन दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री है, तो ये क्या बन गया लीनियर पेयर, रेखीय युग्म, और रेखीय युग्म एक सीधी लाइन का ही बनता है। ठीक है, और ये अगर लाइन है तो बी पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इस सी डी पर ही लाई करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयर फोर डी बी सी इज अ लाइन दैट इज बी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, डी बी सी एक रेखा है, सॉरी डी बी सी एक रेखा है जिसमें बिंदु बी सी डी पर स्थित है, सी डी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, और इसी के साथ मेरा एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, ओके बाय बाय, थैंक यू।